नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ में है सिने जगत से एक और सितारे समर चतुर्वेदी, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्तालाप टीवी में। धन्यवाद, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप बताएं सर। आपके बहुत माध्यम बिजी शेड्यूल से रहा है आपका आपके अभी। दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं वार्तालाप टीवी की तरफ से, और दर्शकों का प्यार और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे यही उम्मीद करते हैं। सर आप हमारे जी साथ में जुड़े हैं, हम आपसे कुछ प्रोफेशनल, कुछ पर्सनल, कुछ हंसी गुदगुदी वाले कुछ किस्से आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा बिल्कुल कि आपके जो फिल्मी करियर की शुरुआत किस तरीके से हुई। देखिए, मेरे फिल्मी करियर की शुरुआत तो बाल रंग कर्म से शुरू हुई थी, और वो भी जी बहुत शौकिया तरीके से शुरू हुआ था। जी हमारे भोपाल, मैं भोपाल से हूं, तो भोपाल मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध रंगकर्मी थी, सुश्री विभा मिश्रा जी जी, उनके साथ मैंने पहला नाटक जी किया था फाटक। तो जी पेपर में नाम आया, फोटो आई, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा स्कूल और मोहल्ले में एक आपका रुतबा बढ़ जाता है। फिर बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे हमारे यहाँ जवाहर बाल भवन है, वहां पे जी श्री केजी त्रिवेदी जी, उनके सानिध्य में जी मैंने रंगकर्म करना शुरू किया। अच्छा लगता था, जी गर्मी की जी छुट्टियां भी कट जाती थी, और आपका जब बिल्कुल पेपर में नाम और फोटो आता है तो स्कूल और मोहल्ले में थोड़ी सी आपकी इज्जत बढ़ जाती है। इज्जत बढ़ जाती है जी। तो बस वो धीरे धीरे जो शौक था, वो शौक कब जुनून और जुनून कब पैशन बन गया, वो पता ही नहीं चला। जी सर आप रंगकर्मी हैं, एक रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो एक रंगमंच वाले अभिनेता और एक जो ये मान लीजिए पैराशूट अभिनेता, मान लीजिए आज के टाइम पे तो पैराशूट अभिनेता बहुत ज्यादा है, रंगमंच वालों की जो बारीकियां हैं वो उनसे कितनी डिफरेंट होती है, ये कुछ आप बताएंगे। देखिए, रंगमंच में काम करके आप अपनी कल्पनाशीलता को विकसित कर सकते हैं। वहां पर जी रंगकर्म और सिनेमा, ये दो अलग अलग माध्यम है। आप इन दोनों जी माध्यमों में तुलना भी नहीं करना चाहिए और तुलना हो भी नहीं सकती है। रंगकर्म में जहाँ अच्छा एक नाटक की रिहर्सल 30 दिन तक चलती है, उसके बाद एक शो होता है, और जब बिल्कुल उसका प्रदर्शन होता है तो दर्शकों का प्रतिसाद आपको तुरंत मिलता है। अगर आपने अच्छा जी किया तो वहां तालियां बजने लगती हैं, और बुरा करने पर आपको गालियां मिलती हैं। जी और रिटेक की भी कोई गुंजाइश नहीं है वहां पे। रिटेक की वाली तो गुंजाइश है ही नहीं। आपका हल्का सा जी भी उच्चारण गड़बड़ हुआ या आपका संवाद कुछ भी गड़बड़ हुआ, वो जी सामने बैठा जो दर्शक है उसको समझ में आ जाता है। सिनेमा में ये जी सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कलाकार के लिए थोड़ी जी सहूलियत हो जाती है। और आप ये समझिए कि रंगमंच जो है वो कलाकार का माध्यम है और सिनेमा निर्देशक का माध्यम है। वो आपकी पलक झुकने को, बंद होने को, आपके उंगली दिखाने को, सबको वो इतने व्यवस्थित तरीके से करता है कि आप लार्जर देन लाइफ दिखने लगते हैं। जी 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 सर आपकी पहली तो फिल्म मैंने अभी सिनेमा में, देखा जी, हाँ जी, हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, मैंने आपकी पहली फिल्म के बारे में देखा बतौर अभिनेता आपने बलमा बड़ा नादान, ये फिल्म आपने करी जिसमें रश्मि देसाई आपकी को एक्टर थी। फिर आप इस जी दौर से अभी आप खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये अभिनेता वाला ये अपॉर्चुनिटी आपने कैसे ग्रेप करी, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद में जो आप आए हैं ये खलनायक वाली भूमिकाओं में, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्चुअली क्या था कि मैंने एक छत्तीसगढ़ी फिल्म करी थी जो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म है, 2001 में, जी परदेसी के माया, और वो वहां की अच्छा छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी प्लेटिनम जुबली हिट फिल्म है। बट उसके वाह बाद मैं भोपाल भोपाल में ही रहा, रंगकर्म करता जी रहा, क्योंकि पिताजी का ये था कि आप कुछ एकेडमिक डिग्री लेके जाएं फिर आप बंबई जाएं, क्योंकि बहुत जी जी असुरक्षा जी है इस क्षेत्र में। तो जी वहीं पे मेरी मुलाकात आरा के एक जितेंद्र सुमन जी हैं, उनसे हुई, और उन्होंने जी मुझे बलमा बड़े नादान की, तब कास्टिंग कर रहे थे सुजीत कुमार जी, उन्होंने मुझे एक दिन मुझे बुलाया, और बुला के सिर्फ मिलवा के मैं चला आया। 5 दिन बाद मेरे पास सुजीत कुमार जी का फोन आता है कि
हम आपको नायक ले रहे हैं, आपके हमारी फिल्म में काम करेंगे। अब मैं तो कलाकार बनने आया था, कोई सपने लिए नहीं थे, लेकिन अब सुजीत कुमार जैसा नाम, और मुझे, मैंने बस ये कहा, मैंने कहा सर मुझे भोजपुरी नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो हम करवा लेंगे जी। तो बस भोजपुरी का सफर शुरू हो गया। वहां पहुंचा तो केशव राठौर जी, जिन्होंने दलाल फिल्म लिखी थी, और सुजीत कुमार जी, जो खुद अपने आप में एक पहचान के मोहताज नहीं है, जितेन सुमन जी जो आरा के हैं, वो भी बहुत एक वरिष्ठ लेखकों में आते हैं। पहले पर्दे पर एक अभिनेता से खलनायक बनना, ये क्या कुछ कठिन है, चैलेंजिंग टास्क है, या फिर एक एक अभिनेता के लिए वो एक अभिनय की परिभाषा ही है? सर कायदे से देखा जाए तो एक अभिनेता के लिए अभिनय की परिभाषा ही है, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं होता, नायक प्रति नायक होता है। हम लोग उसको आम भाषा में खलनायक कह देते हैं। हमारे अंदर भी जब गुस्सा आता है तो वो अंदर का प्रति नायक जाग जाता है। जैसे गीता में कहा गया है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर और शैतान दोनों मौजूद है। जी, आप जब कुछ पुण्य कार्य करते हैं तो ईश्वर आपको लगता है, सामने वाले के लिए आप भगवान हो जाते हैं जी, और जब आप कोई घृणित कार्य करते हैं तो सामने वाले के लिए आप शैतान हो जाते हैं जी। तो आपको वही चीजें परिभाषित करनी होती हैं अपने अभिनय के द्वारा। और अभिनय मतलब अभिनय, मेरा खुद का दिखाना, बिल्कुल सृजन करना मेरा, बिल्कुल, और मैं वो सृजन करूंगा जो समाज में कहीं ना कहीं देखूंगा जी। ट्रू, खुद तो मैं अपने आप को सृजन कर नहीं सकता, खुद इंसान की सृजनात्मक चीज जो होती है, जननी भी हम नारी शक्ति को ही कहते हैं, हम तो जनक होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिनेता के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं अपने स्वभाव से विरुद्ध जाके काम करना हमेशा एक कहीं ना कहीं चैलेंज होता है, और जिसको शायद सबने एक्सेप्ट किया है और सबने निभाया भी है। बच्चन साहब से लेके आज तक जितने भी लोग हैं, हमेशा शायद नेगेटिव कैरेक्टर में इसलिए पसंद आते हैं हीरो, क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं वो मोनोटोनस हो जाती है जिंदगी, सडनली उसमें कुछ एक परिवर्तन आता है। जी जी बिल्कुल सही सर। अच्छा सर एक सवाल और, हम क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो वहां से कई कलाकार आते हैं, कुछ बॉलीवुड पहुंचने के सपने भी लेते हैं लेकिन शायद उतने कामयाब नहीं हो पाते, आपका नजरिया इस चीज को लेकर के क्या है? नहीं देखिए, अगर आपके अंदर हुनर है तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है, और क्षेत्रीय सिनेमा से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। अगर आप इतिहास में देखें तो रजनीकांत साहब, कमल हसन साहब, प्रकाश राज जी, हीरोइने भी अधिकतर हेमा मालिनी जी, श्रीदेवी जी, सब क्षेत्रीय फिल्मों से ही आए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी इन सब के सामने थोड़ी छोटी है। तो अगर एक कलाकार के नाते, देखिए अभिनय तो करना ही है, और जहां भी मौका मिले वहां आपको आपका 100% देना है, वहां आप काम में कोताही नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको एक जौहरी की तलाश होती है, जो आपको उठा के एक अच्छी ज्वेलरी की दुकान में सजा दे और लोग बाग आपको देख के पहचान सके। जी तो सर अब ये जानना चाहेंगे कि आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है? देखिए मेरी अभी आने वाली फिल्म है सफाईबाज, और जी इस फिल्म का हिस्सा हूं, इस बात का मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में बहुत अलग हटके है और ऐसे विषय पर है जिनको हम रोज सुबह शाम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक घृणित दृष्टि से देखते हैं। एक छोटी सी चीज है सर, जो वर्दी पहनते हैं और उनका अचानक देहांत हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान जो शहरों शहर की गंदगी को साफ करता है, उस इंसान को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। तो उसे जाना नहीं जाता, शहीद का दर्जा तो बहुत दूर है उसे।
मैं कह रहा हूँ सर, आप शहीद के दर्जे वाली बात कर रहे हैं, ये आपके विचार हैं, लेकिन आज हम अगर ये देखें तो उनको पहचानने से लोग मना कर देते हैं। जो ठेकेदार होगा वो कहेगा ये मेरे पास में नहीं था, या फिर वो किसी न किसी तरीके से बचने की कोशिश करेगा, जिम्मेदारी टालने की कोशिश करेगा वो। क्योंकि उनकी जान की कीमत बहुत सस्ती है, जी और वो मतलब मैं बात कर रहा हूं सफाईबाज, वो गटर साफ करने वाले हमारे स्वच्छ कर्मी, जिनको शायद हम सबका नजरिया कहीं ना कहीं बदल जाएगा ये फिल्म देखने के बाद। जैसे कहा जाता ना हिंदू मान्यता में कि अगर आप एक यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के बाद उसका जो भी धुआं होता है एक वातावरण जी स्वच्छ कर देता है। तो ये भी सफाई बिल्कुल सर। बाज हमारा एक महायज्ञ है, जिसमें एक आहुति मैंने भी दी है, और इसके बाद लोगों का जी नजरिया उस तबके के लिए, उन लोगों के लिए बदल जाएगा सर। जी कि जो गटर साफ करते हैं सर वो गटर में जब उतरते हैं तो वो जी अपनी जान हथेली पे रख के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे। ये सफाईबाज आपने बताई एक लीक सेट कर पिक्चर है, ये उन लोगों की पिक्चर है जी कि जिसको समाज भी नहीं देख रहा, मतलब समाज में उनको उस तरीके का दर्जा नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे भी। तो आपका भी कोई ना कोई करेक्टर इसमें लीक से हटकर ही होएगा। आपका क्या करेक्टर है इसमें, उस करेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। कोई ऐसा डायलॉग इस पिक्चर का जो आपको बहुत पसंद है, जो आप बोल के सुनाना चाहें। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में ठेकेदार का है, जैसे आप ठेकेदार की बात कर रहे थे ना, वही ठेकेदार है। वो ठेकेदार एक तंत्र को परिभाषित करता है, एक व्यवस्था को दिखाता है कि कहाँ हमारे यहाँ सदियों से भ्रष्टाचार चला आता है, कागजों पे हमेशा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता से वो कोसों दूर होती हैं। कागज में पुल बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता पे आप जाके देखेंगे तो लोबाग आज भी वो नदी पार तैर के ही पार कर रहे होंगे, सैकड़ों बच्चे स्कूल बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं। तो यहाँ भी वो ठेकेदार बिल्कुल वही है कि उसको पैसे तो मिलते हैं, उसके ऊपर जी सुपरवाइजर है, उन लोगों को सुरक्षा जी उपकरण के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे वहां तक नहीं पहुंचाता। जी तो वो शंभू ठेकेदार जो है वो, और अच्छा वो ऐसा ठेकेदार है कि आपके दुख में तो दुखी है, लेकिन वो अपना काम निकालना जानता है। तो इतना बिल्कुल अंदर से करप्ट है कि उसको एक जान की कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वार्टर है। शराब बिल्कुल पिलाएगा, बिल्कुल काम कराएगा और चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक डायलॉग था शायद, एक एक जगह मैं बोलता हूं कि शंभू ठेकेदार वैसे तो कुछ नहीं देता, देता है सिर्फ दारू, वो भी इसलिए क्योंकि उसका काम चल सके। जी तो ये सर बिल्कुल ये डायलॉग ही दिखा रहा है ये कि पूरा संवाद उसमें ही उसके उसने चरित्र को नब्ज पूरा निर्माण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सफाईबाज एक पिक्चर ऐसी जो कि सिनेमा लीक से हटकर है, क्या लगता है इसमें कुछ इस तरीके के सिनेमा में डर है कुछ कि ये कमर्शलाइज सिनेमा नहीं है? क्या ये ऑडियंस ले खींच पाएगा, या कुछ पैसा कमाने के हिसाब से? तो ये डर तो कहीं ना कहीं रहता ही होगा ना। ये मान लीजिए प्रोड्यूसर के दिमाग में ज्यादा हो, डायरेक्टर के दिमाग में ज्यादा हो, तो आर्टिस्ट को भी लगता है कि यार ये तो एक लीक से हटकर है, उसका सक्सेस रेशियो क्या रहेगा? देखिए सर, मैं एक चीज मानता हूं, जब ईमानदारी से मेहनत की जाए ना तो वो मेहनत लोगों के दिल तक जरूर पहुंचती है। और सफाईबाज फिल्म में राजपाल सर ने, ओमकार दास मानिकपुरी नत्था जी जो फेमस है, कमाल का अभिनय किया है। और मतलब आप ये सोचिए कि कलाकार की एक समर्पण भाव देखिए कि हम लोग गटर में उतरे हैं, और जी अंदर जाने के बाद वो जो ओहो घुटन हो सकती है वो महसूस करिए। जी तो ओहो जब सारे उपकरण होने के बाद, सब कुछ सुरक्षा होने के बाद हम लोगों को वो घुटन महसूस हो सकती है, तो जो लोग उतरते हैं वो तो सच में सलाम है उन लोगों को
वो अपनी जान हथेली पर लेके उतरते हैं। हाँ, सार्थक सिनेमा है, कमर्शलाइज नहीं है, लेकिन ये अपनी छाप जरूर छोड़ेगा। ये लोगों के दिलों में लोगों को सोचने और लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए एक पहल है। कई बार बहुत सारी चीजें कमर्शियल नहीं होती सर, व्यवसायिक नजरिए से नहीं देखा जाता। कई बार ये होता है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, तो हम समाज को एक सकारात्मक सोच दे रहे हैं कि ये भी एक आपके लिए दया दृष्टि के पात्र नहीं है, लेकिन सम्मान के पात्र है। बिल्कुल सर। सर ये तो रही सफाईबाज फिल्म की बात। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप अपने फैंस को और वार्तालाप टीवी के दर्शकों को कुछ संदेश अगर देना चाहें, कुछ जो अभिनय में जुड़ना चाह रहे हैं, अभिनय में नए आना चाह रहे हैं, जो उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, उन्हें रंगमंच से जुड़ना है, उन्हें किस तरीके की बारीकियां सीखनी है, तो कोई एक मैसेज आप देना चाहें। सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि मास्क लगाएं और दूरी अपनाएं। ये आज की देर आज की तारीख में बहुत जरूरी है। और जो भी रंग जो भी अभिनेता आना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनसे ये कहूंगा इतनी तैयारी करके इस महाभारत में उतरे कि कल को आपका कोई भी शस्त्र या आपका कोई भी वार खाली ना जाए, किसी को आपको लेने के बाद अफसोस ना हो। कुछ अपनी तैयारी इतनी दृढ़ संकल्प के साथ करें कि हाँ अगर आप करें तो आपके माँ बाप और आपके जानने पहचानने वालों को आप पे गर्व हो, क्योंकि एक बात मान के चलिए कि सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं, असफलता का कोई नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। और मेरी तरफ से सर बहुत बहुत आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। हाँ, मास्क जरूर लगाएं और दूरी अपना, खतरा अभी टला नहीं है। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वार्तालाप टीवी को समय दिया। ये नव वर्ष आपके लिए भी मंगलमय हो, और उम्मीद करते हैं सफाईवाद जो मूवी है ये समाज में एक मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते हैं उसको इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंचाएं कि लोगों का नजरिया इसको देख करके बदले, इन लोगों के लिए बदले। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।